पे भी सुनते होंगे, आप टीवी में भी देखते होंगे कि जी कौम के पास पैसा नहीं है, सुनते हैं ना, कौम ने कर्जा ले लिया है, अभी अमेरिका से कर्जा ले रहे हैं, फ्रांस से कर्जा ले रहे हैं, सुनते हैं ना। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर पैसा नहीं है तो फिर हमारी यूनिवर्सिटी की चार दीवारी में टायर लगाने की क्या ज़रूरत है। मैंने दुनिया में बहुत यूनिवर्सिटियाँ देखी हैं, मैंने किसी यूनिवर्सिटी को नहीं देखा जिसकी दीवारों पर टायर लगी हो। ठीक है, जब गांव की रोड टूटी हुई हो तो फिर यूनिवर्सिटी की चार दीवारी पर टायर नहीं लगाई जाती। हम कहते हैं पैसा नहीं है, लेकिन मैं कॉलेज में गया हूँ जो 7 करोड़ पैसे बनाए, लेकिन वो चल नहीं रहा। फिर मैं एक और गाँव में गया, वहाँ अस्पताल बनाया 3.5 करोड़ रुपये से, लेकिन वो भी नहीं चल रहा। मैं खुद ये जानता हूँ गांव गोटों में फिरने के बाद कि 20-25-30 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लगे हैं, लेकिन चले भी नहीं रहा। फिर हम ये भी कहते हैं कि हम गरीब हैं, गुर्बत हमारी जेब में नहीं है एक्चुअली, गुर्बत इधर है और इधर है। उसकी वजह ये है कि अक्लो दानिश चाहिए कौम को संवारने के लिए, सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अक्लो दानिश नहीं होगी तो फिर काम नहीं हो सकते। और दिल इसलिए है कि अगर लगाव नहीं होगा आपस में, एक दूसरे से लगाव नहीं होगा तो साथ मिलकर काम भी नहीं करेंगे। तो बात यह है कि अगर इस मुल्क को संवारना है तो अकल और दिल दोनों से काम लेना पड़ेगा। बिल्कुल, एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत होनी चाहिए, रंग नस्ल मजहब से हटके, और रहनुमा ऐसे चुनने चाहिए जो मुल्क और कौम के लिए काम कर सके, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम कर क्या रहे, हम ये कर रहे हैं कि जो लोग 60 साल से हमें धोखा देते आ रहे हैं, हम एक दफ़ा फिर उनके साथ बेवकूफ़ बन जाते हैं। अभी आते हुए 2 हमने ट्रालियाँ देखी जिस पर जगह पर डंडा लगाया और पोल जा रहे हैं बिजली के, लेकिन 5 साल में पोल किधर थे, कहाँ रखे हुए थे ये पोल, 5 साल में क्यों नहीं निकले ये, 5 साल के लोगों को बिजली नहीं चाहिए थी, 5 साल के ट्रांसफार्मर नहीं चाहिए थे, ये अब क्यों निकल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि एकदम गंदम की फसल भी निकली है साथ साथ पोल भी निकल आए उसके। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपनी अकल से काम लें। अकल के लिए तालीम का होना ज़रूरी नहीं है, अकल के लिए ये गलत हमारे यहाँ कि तालीम से आपको चीज़ें अपने औजार समझने में मदद मिलती है, अपनी फसल को समझने में मदद मिलती है, लेकिन अकल का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी स्कूल में तो नहीं गए, लेकिन पैगंबर थे, इतना इल्म था उनके पास। तो बात यह है कि अकल आपके पास है, शऊर आपके पास है, हिम्मत नहीं है आपने मेरा ख्याल।